गुड इवनिंग फ्रेंड्स टुडे वी विल डू एट्थ लेक्चर ऑफ द ट्वेंटी थाउजेंड एम सी गो सीरीज एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज थ्री फिफ्टी सिक्स बुद्धिज़्म प्रोपोगेटर आउटसाइड इंडिया इन तो सबसे पहले पता मैं सिलोन श्रीलंका में, में प्रोपोगेट किया गया था बुद्धिज़म अशोक के टाइम में नेक्स्ट थ्री फिफ्टी सेवन द लैंग्वेज एडोप्टेड फॉर पीचिंग इन महायान ये हमारे पास संस्कृति थ्री फिफ्टी एट हुई इज सेट टू हैव बोथ बोर्न एंड शट इज बॉडी ऑन विशिष्क पूर्णिमा डे तो हमारे पास बुद्धा थे इनका बर्थ निर्वाणा और जो डेथ होती है वो विशाख पूर्णिमा होती है उसका थ्री फिफ्टी नाइन लेंडिस वाली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर तो उसका बी होगा नाइनटीन ट्वेंटी वन में सबसे सब पहले हड़प्पा की खोज गई थी किसने की थी दया राम सहानी है थ्री सिक्सटी ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड द विलेज अफेयर्स वर मैनेज बाय द विलेज हेडमैन जिसको हम विश्वपति बोलते थे नेक्स्ट थ्री सिक्सटी वन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ईस्टर्न को ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वॉज तो हमारे पास ताम्र लिप्टी था पोर्ट था सॉरी पार्ट नहीं पोर्ट है ताम्र लिप्टी में हमारे पास पोर्ट था ईस्टर्न साइड को गुप्ता पीरियड में थ्री सिक्सटी टू द सुंगा डायनेस्टी हैज़ मेड डैश डेस्ट ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर देयर किंगडम तो हमारे पास ब्राह्मणिज्म थी इन ब्राह्मणिज्म को अपना ऑफिशियल रिलीजन बनाया था सुंगा डायनेस्टी ने हमें पता कि पुष्यमित्र सुंगा जो एक ब्राह्मण थे थ्री सिक्सटी थ्री मोस्ट ऑफ द हिंदू कॉलोनीज इन साउथ ईस्ट एशिया हैड बीन फोन ड्यूरिंग द रेन ऑफ तो हमारे पास चो चौल, चोला के उसमें थी साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया वगैरह में मैक्सिमम जो कॉलोनीज थी हिंदुओं की तो चोलाज की थी उसका थ्री सिक्सटी फोर तक साका एरा स्टार्टेड फॉर्म दिए तो हमारे पास अठहत्तर ए डी बी सी और इसमें उसमें नहीं होना तो ये हमारे पास ए डी है उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री सिक्सटी फाइव विच टू द रूलर वीना प्लेयर तो ये हमारे पास वीना प्लेयर जहाँ एडवांस मुद्दुगुप्ता होगा आपका बी उसका थ्री who among the following has been called the Napoleon of India तो मैं बस समुद्र गुप्ता गेन उसके ये क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे बार बार उसका थ्री सिक्सटी सेवन अशोका प्राइम क्लेम टू ग्रेटनेस ले इन तो हमारे पास प्रमोशन ऑफ पीपल्स वेलफेयर बाई जो उसकी ग्रेटनेस कैसे देखी जाती है उसने क्योंकि उसने लोगों के लिए अच्छे काम किए थे बहुत थ्री सिक्सटी एट हीज द अचीवमेंट ऑफ समंद्र गुप्ता हैव बीन क्रॉनिसाइल्ड इन द तो इसकी जो समुद्र गुप्ता की अचीवमेंट वो कहाँ पे है अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे मैंशनड है थ्री सिक्स नाइन द सेग हु इज़ कंसिडर टू हैव आर्गेनाइजन इंडिया वॉज तो जो सेग थे अगस्तिया थे इन संगम पीरियड के टाइम में आते हैं ऐसा बोला जाता है कि फर्स्ट संगम इन ऑर्गेनाइज़ किया था उसका थ्री सेवेंटी द चोला रूलरूड दंगास एंड ऑबटेन द टाइटल ऑफ गंगाई कोड़ा तो ये हमारे पास राजेंद्र चोला वन थे जिनको गंगा कोंडा का टाइटल मिला था क्योंकि उन्होंने गंगाज को हराया था उसका थ्री सेवनटी वन दन डेट एक्साइल्ड इट सेल्फ एज ए नेवल पावर दे, वॉज दैट ऑफ तो ये हमारे पास चोलाज थे उसका थ्री सेवनटी टू विच चोला रूलर हैड है द नदन पार्ट ऑफ श्रीलंका एंड मेड इट प्रोविंस ऑफ हिज एम्पायर तो हमने किया था राजा राजा वन चोला चोला वन मतलब राजा दो किंग होते हैं तो ये वन वाला था थ्री सेवेंटी थ्री द एशंट मेडिकल टिटाइज टू चरक हु वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ चरक हमारे पास कनिष्क का कंटेम्प्रेरी था वो अमंग द फॉलोइंग आर क्रेडिटेड विद हैविंग बिल्ट द फेमस एलोरा केव्स तो राष्ट्रकुटाज ने बनाई है फिर तो उसके बाद हमारे पास थ्री सेवेंटी फाइव आता द केव्स एंड रॉक कट टेम्पल्स एट एलोरा पटेन टू ये हमारे पास एलोरा में है हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए हिंदुजम के बुद्धिज़म के जैनिज्म के तीनों थ्री सेवेंटी सिक्स द कल्ट ऑफ कृष्णा इज प्राइमली एक्जीब थ्रू द तो पास हमारे पास राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के थ्रू हमारे पास कृष्णा जो कल्ट है उनका प्राइमरी सोर्स हमारे पास ये है थ्री सेवेंटी सेवन इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग केव्स हैव ट्वेंटी एट न्यू केव्स फॉन्ड फर्दर डिस्कवर्ड तो ये हमारे पास एलिफेंटा केव में ट्वेंटी एट न्यू केव्स मिली है जब उसकी फर्दर एक्सकबिशन की गई थ्री सेवेंटी एट द पलवा किंग्स फॉर द मेकर्स ऑफ द रोकट एट तो महाबलीपुरम में जो रथ है ना जैस द्रौपदी रथा है पान दुर्योधन रथ सॉरी युधिष्ट रथ है वो सब है हमारे पास महाबलीपुरम में द क्रेस्को क्रेस्को नहीं फ्रेस्को होना चाहिए फ्रेस्को, फ्रेस्को पेंटिंग में जनता की एलुसरेट द आर्ट ऑफ तो हमारे पास गुप्ता टाइम के आर्ट को एलुसरेट करता है उसका बाद थ्री एटी विच इज़ द ओल्डेस्ट इंडियन लिंग्विस्टिक्स टेक्स्ट तो हमारे पास अष्टाध्यायी है किसने लिखे निकाणी ने उसके बाद हमारे पास थ्री एटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सीट ऑफ लर्निंग हमारे पास तक्शिला ओल्ड सीट ऑफ लर्निंग है तकशीला उसके बाद हमारे पास थ्री एटी टू दश्रीमद भगवद गीता कंटीन्यूश्रेडस संस्कृत श्लोकास तो इसका सी है हमारे पास एटीन uh, थाउजेंड सेवन हंड्रेड श्लोकाज है इसमें उसके बाद थ्री एट्टी थ्री द रामायण नरेट्स इवेंट्स uh, बिलीव टू तो हैव टेकन प्लेस इन द तो तेता युगम बोलते कि रामायण हुई है उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग एंटिस न्यूटन बाय अफॉर्मिंग दैट ऑल थिंग्स tend टू gravitate द अर्थ किसने न्यूटन की तरह बोला था कि जो चीजें है वो ग्रेविटेट करती है अर्थ को उस बोला था ब्रह्म गुप्ता ने ब्रह्म गुप्ता इंडियन एक साइंटिस्ट ही समझ लो एस्ट्रोफिजिस्ट था थ्री एटी फाइव इन एंशंट इंडियन नलंदा यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेड अ ग्रेट सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ तो हमारे पास महायान बुद्धिज्म के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी में स्टडी होता था उसका थ्री सिक्स थ्री एटी सिक्स हुई इज दफ कदम्बरी फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग कदम्बरी भट्ट की है बाण भट किसके समालना था ये हर्षवर्धना के था उसके बाद बीच सेग और स्कॉलर हैड्रिकास था और सिंगल वेदा इंटू फोर डिस्टिंक्ट वेदा तो हमारे पास व्यास ने किया था एक वेदा को उन्होंने अलग चार डिस्टिंक्ट वेदों में डिवाइड किया थ्री एटी एट टू होम डिड द टर्म मैसोनिया मेड मैन रेफर तो हमारे पास मैसोडोनिया मैसुदु, मैसुदु, का हमें पता है फिलिप कलर का था मैसोनी के जो राजा थे उनका लड़का कौन था अलेक्जेंडर था इसके अंदर 389 the bronze coins of nataraja or dancing shiva during the chola period in well uh, depicted the deity with six arms to uske baad hamare paas next hai uh, 390 390 hamare paas the two coastal images of buddha at bamian are colossal uh, of the buddha at bamian are instance of the art. तो ये हमारे पास गुप्ता आर्ट की थी बाम Buddha हमारे पास अफगानिस्तान में तो इसको तालिबानों ने तोड़ा था पीछे थ्री नाइन्टी वन आइडेंटीफाई यार दैट वॉज बिल्ट बाय द राष्ट्रकुटाज तो हमारे पास शिवा टेम्पल एलोरा का जो राष्ट्रकुट ने मनाया था थ्री नाइनटी टू दर्ज सरवाइविंग स्टिल स्टैंडिंग टेम्पल डेट फ्रॉम डेस्ट पीरियड तो हमारे पास गुप्ता पीरियड का है ज्वेलियस टेम्पल इलेक्टू है थ्री नाइनटी थ्री दैट्स इनकरेक्टली मैच तो इसमें देखो कदम्बरी लिखा बाणबट्ट ने लिखी अर्थ कल अर्थशास्त्र कलहन नहीं है अर्थशास्त्र कुटिल ने लिखी उत्तम चरित्र भावुत ने लिखी मुद्रा राक्षस हमारे पास विशाख दत्त ने लिखी थ्री नाइन्टी फोर एन एलेबोरेट सिस्टम ऑफ मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश्ड बाय तो हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का इसने इलाबोरेट मतलब एक जो क्लियर कट था थोड़ा मतलब डिटेल में सिस्टम किया था हूँ इसने किया था हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य ने उसका थ्री नाइन्टी फाइव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूनसांग विजिट द सिटी मोस्ट फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ तो हमारे पास मथुरा थी उसका थ्री नाइन फॉर एबजॉर्ड इन अ लार्ज नंबर इन द इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग द पीरियड तो हमारे पास सी था इसका मोरियन है उसके बाद थ्री नाइन्टी से ऑफ द फॉलोइंग बुक्स एंड देयर रिस्पेक्टिव फील्ड ऑफ द फॉलोइंग फोइंगशीज इन करेक्ट तो इसमें हमारे पास चरक संहिता आर्किटेक्चर ये आर्किटेक्चर नहीं मेडिसिन की है सर्जरी की थ्री नाइन्टी एट द अचीफ इम्पैक्ट ऑफ वैदिक कल्चर ऑन इंडियन सोसाइटी हैज़ बीन तो इसका क्या हुआ चीफ जो इम्पैक्ट कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिट हो गया थ्री नाइन्टी नाइन द औरिजनल बुद्धिस्ट रिजिस्टेक्स है हमारे पास पार्ली में लिखे गए जबकि जैन के प्राकृत में फोर हंड्रेड द ग्रेटेस्ट बुद्धि कमेंट्रेटर ऑफ़ द बुद्धि इकनोमिकल लिटरेचर हैज़ बीन तो हमारे पास अशोक गोशा है दैट्स ऑल्व फॉर टूडे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक्स हैव अ ग्रेट टाइम